नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। परसोटी थाना क्षेत्र के करंडी स्थित झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के विद्युत केंद्रीय भंडार में रखे ट्रांसफार्मरों में बुधवार की सुबह अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठता देख बिजली विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पहले तो खुद से आग बुझाने की कोशिश की, मगर आनन फानन में फिर इसकी सूचना अधिकारियों को दी। इसके बाद परसोटी पुलिस और अग्निशमन विभाग को भी आग लगने की सूचना दी गई। मौके पर दमकल की एक गाड़ी पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। लगभग 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दमकल कर्मी भी आग बुझाने के दौरान सतर्कता बरत रहे थे। संभावना जताई जा रही है कि ट्रांसफार्मर में आग लगने से विस्फोट हो सकता है और जान माल की क्षति भी हो सकती है, इसलिए एहतियात बरतने हुए आग को बुझाया गया। घटना में बिजली विभाग को काफ़ी नुकसान हुआ है और दर्जन भर से ज़्यादा ट्रांसफार्मर जल गए हैं। बता दें कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसे 1 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। कितने बजे लगी आग? 9 बजे के आसपास। 9 बजे। 9 बजे कितने दमकल आए हैं यहाँ पे? 1 दमकल आए हैं। हाँ, और फोम से हम लोग उतारे पहले। हाँ जी। और जो प्राथमिक उपचार है, जो पाइप उइप से ये सब से फायर एक्सटेंशन से ये सब ला कर करके बुताने की कोशिश की, लेकिन आग ज़्यादा था इसका दमकल को बुलाना पड़ा। हाँ। कितने का नुकसान हुआ है ये तो हम नहीं बता। हाँ? ये तो आप स्टोर इंचार्ज से पूछिए। क्या नाम हुआ आपका? रोहित रंजन। हम क्या देखिए, यही देखें कि आग लगा हुआ, हम भी भाग गए हैं देखने। कितना बजे से लगा है? ये करीब करीब आग का सवा 8 के करीब में से। आपको कैसे लगा, फिर क्या कैसे आग लगा है? हम तो यही देख रहे हैं कि आग लगा तो यहाँ तो कोई चीज़ है नहीं, सौ सीट है तो बिजली का उससे। कैसे आग कैसे लगी? अब कैसे लगी हम तो देखे नहीं कैसे लगी, आग उठा हुआ तो हम देखे आगे आग उठी बस। ये कई किलोमीटर दूर से देखा जा रहा है? हाँ, छत है हम लोग के घर बगल में, इसी देख लीजिए। अच्छा, तो हमें लग रहा सिविल नहीं है, फर्स्ट है, फर्स्ट गाड़ी आया है अभी तक। मैंने 8 बजे से गाड़ी आग लगा हुआ ना, ज़्यादा तो ऊपर केबल जो है उसी से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना लग रही है। ज़्यादातर यहाँ जो ट्रांसफार्मर हमारे जो है नॉन रिपेयरेबल ट्रांसफार्मर, पुराने ट्रांसफार्मर उनसे आ रहे हैं। बाकी जो नए ट्रांसफार्मर सुरक्षित नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई भी सुरक्षित है। डैमेज में जो है हमारे पुराने ही जो नॉन रिपेयरेबल है, स्क्रैप में है। कितने बजे आग लगी? आग लगा कैसे? आग लगने का दूर जांच की दिशा है। आग लगा कैसे? ये आग लगने का संभावित कारण जो है ये केबल लग रही है, यहाँ की एक संभावित कारण। अब वो कैसे लगा ये तो जांच की दिशा है। तो सर ये कहीं ना कहीं तो मैंने जहाँ ट्रांसफार्मर है वहाँ से गया हुआ है तार। जांच का विषय है ना। नहीं नहीं, कितने बजे आग लगी? कितना बजे लगा लगी सर? जानकारी मुझे मिली है सुबह 9 बजे जानकारी। सुबह 9 बजे। अच्छा, कितने के नुकसान हुए सर? है तो उसको आकलन करना भी हमारे पक्ष की बात होगी। ये तो सारे स्क्रैप है ना। क्या क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद कुमार।